लास्ट क्लास के इंट्रोडक्शन की बात कर ले तो नजर ऊपर रखना। मान लो आपके पास में एक वायर है और इस वायर में करंट जा रहा है। बताओ वायर में अगर करंट जाएगा तो उसके कारण क्या आएगी? बेटा बोलना पड़ेगा, क्या आएगी? थोड़ा और बोलो, क्या आएगी? यानी मैग्नेटिक फील्ड के आने का कारण होता क्या है? करंट। यानी करंट है तो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और किसी छोटे से टुकड़े की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है ये किसने बताया था? बाय टेन सेवन ने। जो अमाउंट छोटा था मैग्नेटिक फील्ड का, बड़ा था, छोटा था। अब ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, बड़ी क्यों नहीं है, क्या रीजन है? क्योंकि एलिमेंट भी तो छोटा ही है। यानी अगर एलिमेंट छोटा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी आएगी? छोटी सी आएगी। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। वहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बड़ा था। ये आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? बटे 10^-7। यूनिट क्या होती है? टेस्ला मीटर एम्पेयर इनवर्स। वहां पे एक थीटा भी था। थीटा इज एंगल बिटवीन द डीएल एंड आर। बेटा रिवीजन करके आया करो, डीएल एंड आर। यानी डीएल और आर के बीच का एंगल क्या था? थीटा था। उसके बाद में यह भी पढ़ा था, अगर एक कॉइल है जो कि सर्कुलर कॉइल है, उसमें से करंट जा रहा है, क्या जा रहे हैं? यह आता है करंट के जाने की वजह से आएगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड। और इस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। कितना रिजल्ट आया था किसी को याद है पूरी क्लास में? बेटे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। पहले बैच में सब बच्चों ने आंसर दिया था। बेटे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर। म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर, वेयर आर रेडियस थी। आर क्या थी? रेडियस। और फिर सेमी सर्कल की वजह से भी देखा था, जो था उसे आधा कर दो, कितनी आई थी? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 आर। आधा तो कर ही लोगे ना, पूरा याद रखो तब आधा करोगे ना। अब ये तीन जो है टॉपिक आपको कराए गए थे। आज की क्लास में करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। टॉपिक का नाम बोलो, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस। जब तक मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है क्या होती है, आपको ये समझना है एक्सिस क्या होता है। एक्सिस आएगा तब पता लगेगा। अगर यहां बात करें, मान लो यहां पे कॉइल है, बड़े कॉइल की रेडियस ए मान लो, कितनी मानी है? ए। कॉइल की रेडियस ए है और कॉइल का सेंटर कितना है? ओ है। और इससे आगे जाके, सेंटर से आगे जाके एक पॉइंट लिया है मैंने पी। ये पी पॉइंट जो है सेंटर पे, सेंटर से आगे जाके है। एक एक शब्द को सुनना, सेंटर से आगे जाके मान लो कुछ दूरी पे होगा, दूरी ले लेते हैं एक्स। कितनी दूरी है? एक्स। यानी सेंटर से आगे जाएं, पॉइंट लें पी। इस पॉइंट को बोलेंगे, ये पॉइंट जो है एक्सिस पे, कहां पे? एक्सिस पे। ये सेंटर, ये एक्सिस। इस कॉइल में मान लो करंट जा रहा है आई, तो करंट जाने की वजह से क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, आज की क्लास में ये निकालनी है। आज की क्लास में ये निकालनी है। सेंटर पर आप निकाल के देख चुके हो, पहले देखा था ना। इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आती है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड में 2 ऑफ a² + x² की पावर 3/2। ये आज के क्लास का एम है, यही ड्राइव करनी है। यानी इस कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट यानी एक्सिस पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब बात करें सेंटर की, तो सेंटर पे कितनी होती है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए। ए क्यों लिखा? क्योंकि रेडियस ए है। ये लास्ट क्लास में निकाली थी, ये आज निकालोगे। तो आज की क्लास का एम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द बाय टेन सेवेट लॉ भी बोलते हैं। सेकंड मतलब नंबर तो आगे पीछे कर सकते हो, हमारे लिए सेकंड है क्योंकि पहली हमने कर ली है। पता लगे तो पहले एक लास्ट क्लास का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन उसका नोट स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक और बात, जब इसकी ड्राइव स्टार्ट करेंगे ना तो उसके लिए एक डायग्राम बनता है। अब वो डायग्राम जो है बड़ा खतरनाक सा डायग्राम होता है। टेढ़े मेढ़े कॉम्पोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, वो डायग्राम बड़ा खतरनाक से। अब 5 नंबर में आती है। कितने नंबर में आती है? 5 नंबर। तो उस डायग्राम को समझने के लिए एक नोट करवाऊंगा आप लोगों को। उस नोट के अंदर 5 पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे? 5। यानी मेन डायग्राम को तोड़ देंगे टुकड़ों में एंड देन उसके बाद क्या कर देंगे? कंबाइन। यानी डायग्राम को नोट में पढ़ेंगे पहले बनता कैसे, और जब डायग्राम बन जाएगा उसके अंदर 10 मिनट की डेरिवेशन है सिर्फ, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई 2 से कर दो 10 नंबर, मतलब 10 मिनट में हो जाना चाहिए। पता लगे तो डालो, स्टार्ट करो कॉपी में। लेक्चर नंबर 3 डेट आज के डाल देना। बेटे आवाज नहीं बस सुनो।
बेटे पहले डालेंगे, डेट डाल दी सारे बच्चों ने, अब पेन छोड़ दो, अब पहले देखेंगे, लास्ट क्लास का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हो क्योंकि आपको याद नहीं है। पहला पॉइंट ये है, एक वायर है नज़र ऊपर, बताओ वायर में क्या जा रहा है? बेटे बोलना आपको क्या जा रहा है? ये छोटा सा क्या है? एलिमेंट। छोटा सा क्या है? एक क्या लिया है? पॉइंट। दूरी बोलो आर। एंगल कितना है? थीटा। इस एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे छोटी मैग्नीट्यूड बड़ी होगी। छोटी। अमाउंट बोलो, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये देख लिया क्या पहली क्लास में? अभी आता है दूसरा, ये देखा है, अगर आपके पास में कॉइल है, क्या है? कॉइल। कॉइल का ये है सेंटर ओ, इसकी रेडियस कितनी है? आर है, और इसमें करंट जा रहा है आई। करंट की वजह से क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड? इस कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर। आर रेडियस है। और तीसरा पॉइंट आपने ये देखा था, अगर इस कॉइल को आधा कर दें, यानी सेमी सर्कल की बात करें, ये पॉइंट ओ है, रेडियस कितनी है? आर। करंट जा रहा है आई, तो इस सेमी सर्कल की वजह से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती थी? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय बड़े फोर आर, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में टू आ गया था। ये तीनों कराएं, और जो एक शीट दी थी आपको लास्ट क्लास में, इस पे थी। अच्छा एक और चीज़ सुनो, शीट आपको एक दी गई है पहली बायो टेंस हैबिट पे, दे दी। सीट सेकंड जो है वो किस पे है? जो सीट सेकंड है वो है मैग्नेटिक फील्ड, जब सेंटर की बात करिए। एक शीट तीसरी होगी वो भी किस पे होगी? मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगी। चौथी जो आएगी वो किस पे आएगी? मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस वाली, जो अभी फॉर्मा दिखाया था। और जो सीट पांचवी होगी वो आएगी सेंटर और एक्सिस का कॉम्बिनेशन, सेंटर और एक्सिस के कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। और जो ये सीट जो दी जा रही है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको बुकों में, वही मिलेंगे। पर डिपेंडेंट मत हो जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस ढंग से करो, यानी फॉर्मूलों को प्रैक्टिस में लेके आओ, ये नहीं एग्जाम में आएगा। आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि ये फॉर्मूला है, इसे न्यूमेरिकल पे ऐसे अप्लाई किया जाता है, बस। क्लियर? ये लपेटना मत, ये तीनों पॉइंट लपेटो, घसीटो, उठाओ पटको, हलवा चीज। अब फिर लें बड़े, ये था लास्ट क्लास का सिर्फ इंट्रोडक्शन, यानी आपके छोटे से टुकड़े की वजह से ये रही मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर, जो कि छोटी है। इस वाली कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पर ये रही मैग्नेटिक फील्ड, और अगर सेमी सर्कल है तो उसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर पूरे सर्कल की वजह से जो उसकी आधी कर दूँ। और ये सीट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आज की क्लास का एम क्या है हमारा? बड़े मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस निकालने। तो नोट नंबर पहला डाल दो आज की क्लास का, नोट नंबर पहला। ये लास्ट क्लास का सिर्फ इंट्रोडक्शन था। बेटे आवाज नहीं, नोट नंबर पहला, नोट पहले ये छोड़ दो बेटा पेन। बोलो कॉइल, थोड़ा और तेज बेटे। एक कॉइल है तो बीच में क्या होगा? सेंटर। सेंटर मान लिया ओ। रेडियस कितनी है? ए। बोलो रेडियस कितनी है? अच्छा हर बार सेम डायग्राम ही बनेगा। बोलो रेडियस कितनी है? सेंटर से आगे जाके एक पॉइंट लिया, नाम बोलो पी। दूरी बोलो एक्स। दूरी बोलो एक्स। कॉइल में क्या जा रहा है? करेंट। बहुत बढ़िया, क्या जा रहे हैं? करेंट। करेंट की वजह से आएगी क्या? इस पॉइंट को बोलते क्या है? एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। इस कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड में टू ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू। वेर एक्स क्या है? पोजिशन यानी डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां तक की दूरी। और ए हमने क्या मानी है? रेडियस। और ये मैग्नेटिक फील्ड आई का है एक्सिस पे। ये है हमारा एम। पर इस फॉर्मूले को निकालने के लिए पहले एक डायग्राम सीखना पड़ेगा, और डायग्राम के लिए एक नोट नंबर सेकंड होगा। उस नोट नंबर सेकंड के अंदर क्या होगा? पांच पॉइंट होंगे। पांच पॉइंट आ गए तो डायग्राम आ गया, और अगर डायग्राम आ गया तो पूरी डेरिवेशन अपने आप ही आ जाएगी। पता लग गया? तो मेन फोकस किस पे है? हमारा नोट नंबर सेकंड पे। अच्छा उससे पहले याद आओ, राइट हैंड पाम रूल का भी मैंने जिक्र करा आपकी क्लास में। राइट हैंड पाम रूल, अगर सब सीधा हाथ करो ना, अपना सारे बच्चे सीधा हाथ निकालो बेटा, सीधा हाथ और एक पेन उठा लो, जैसे मैंने मार्कर उठा रखा है, फील लो इसे। यह आता है मार्कर जो है मेरे हाथ पे कितने डिग्री पे? 90। अगर मेरा हाथ ऐसे है तो 90 डिग्री, हाथ ऐसे कर दूं तो भी कितने डिग्री है? 90। यानी मार्कर का हाथ के साथ में जो एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा। अगर हाथ ऐसे है तो कितने डिग्री है? अब यानी मार्कर का हाथ के साथ में एंगल 90 डिग्री रहेगा।
अब इस रूल को लगाते कैसे? बेटे एक दिख रहा अंगूठा, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन रखोगे, क्लियर, और जिस भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे अपनी उंगलियों को गिरा दोगे। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा हाथ अभी ऐसे है, करंट इधर जा रहा है, अंगूठा इधर है, और मान लो मेरा हाथ ऐसे, बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर या नीचे? ऊपर, जहां मार्कर वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मेरा मान लो हाथ ऐसे है, बताओ बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उधर होगी। अगर मेरा हाथ ऐसे है तो किधर है? बोर्ड के अंदर। यानी जिधर मार्कर इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। और अंगूठे को कहाँ रखोगे? करंट की डायरेक्शन में। और हाथ को मोड़ना कहाँ है? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। अच्छा एक बात है, एक सब था डीएल और एक था आर, उसी के बीच का एंगल थीटा होता है। अगर सर्कुलर कॉइल के ऊपर अगर एलिमेंट लिया है तो हमेशा डीएल और आर के बीच का एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री, ये मैंने बोला था, जरा देख भी लेंगे कैसे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जो हम अलग अलग पढ़ेंगे, फिर सबको मिलाएंगे डायग्राम बनाने के लिए, क्लियर। पर उससे पहले ये लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। अच्छा ये बताएं, एक शब्द बोला था अभी हमने बेटा, डीएल और आर के बीच के एंगल की बात कर रहे थे। यानी मैंने कहा था अगर एक सर्कुलर कॉइल है और उस पर डीएल लिया है तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। थोड़े से प्रैक्टिकली देखना भी है, क्योंकि जो डायग्राम अभी बोर्ड पर बनेगा वो डायग्राम थोड़ा अलग बनेगा, क्योंकि प्लेन में बनेगा, जबकि वास्तविकता में होता गया तो 3D डायग्राम होता है, जो बोर्ड पे नहीं बना सकते हम। अब मान लो एक वायर का टुकड़ा ये है, ऐसे इमेजिनेशन की फील्ड में, और एक वायर का टुकड़ा ये है, ये होता है अगर मैंने इन वायरों को ऐसे रखा है, बताओ यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है? आराम से कितने डिग्री का है, बस ध्यान से देखते रहना। अगर मान लो ये वाली वायर तो फिक्स कर दी मैंने, ये वाली दिख रही है, और इस वाली वायर को इसकी जगह मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया, दिख रहे हैं? ध्यान से देखो, थोड़ा ऐसे साइड से देखने में अजीब सा लग रहा है, 19 लग रहा, पर यह तो अगर ऐसे करें कितने डिग्री का एंगल है? 90। पर ऐसे करें तो देखने में क्या लग रहा है? 90 नहीं होगा, पर जब ऐसे करोगे तो कितने डिग्री का है? यानी देखने का पैमाना है सिर्फ। कुछ चीज़ें होती हैं पर दिखती नहीं, और कुछ चीज़ें दिखती हैं पर होती नहीं है। अगर बताएं ये ऐसे है, अगर ऐसे कर दें कितने डिग्री का है? अब यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री रहेगा? 90 रहेगा, पर साइड से देखो थोड़ा अजीब लगेगा, पर सामने से देखो कितना है? 90 है। बस इसी चीज़ को देखना है। हाँ ना बोल भैया, आइए नोट नंबर डालो सेकंड। बेटे इस नोट नंबर सेकंड के अंदर कितने पॉइंट है? 5। कोई दूसरा नोट नहीं है, सिर्फ नोट ये लास्ट है और इसके अंदर 5 पॉइंट है बस। अब ऊपर देखते रहो। पॉइंट नंबर पहला, बेटे एक कॉइल लिए, बोलो कॉइल की रेडियस कितनी? बेटा मेरे को आवाज चाहिए, कितनी? सेंटर, आगे एक पॉइंट लिया नाम, दूरी, करंट आई, एक छोटा सा एलिमेंट नाम डीएल, उसकी दूरी आर, दूरी कितनी है? आर। अब यही डायग्राम बार बार बनने वाला है, यानी दूरी है आर बेटे डीएल की फ्रॉम द पॉइंट पी, सेंटर, ए आवाज नहीं बेटे, सेंटर से पी की कितनी है? एक्स। रेडियस कितनी है? ए। बेटा पहले देख तो लो, रेडियस कितनी है? ए। करंट कितना है? आई। मान लिया ये डीएल और इस आर जो है इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। देखने में लग रहा ना, देखने में लगेगा 90 तो है ही नहीं, पर वास्तविकता में अगर फील लो, ध्यान से देखो बेटा, एक डीएल ये है तो ये रहा डीएल, और ये क्या हमारी एक वायर है, और ये होता है ये पी पॉइंट नीचे है या फिर सामने है? नीचे है ना, थोड़ा सेंटर से आगे की तरफ, तो इसे थोड़ा ऐसे करेंगे तो साइड से कुछ ऐसे तो लगेगा, ये देखो। अरे हाँ ना बोल भैया, पर सामने से बताओ कितने डिग्री का है? 90। तो बोर्ड पे लग नहीं रहा है पर है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है। अब बात ये थोड़ा और चिल्ले से कड़ा दिखाओ, ये बेटे ये कड़ा दिख रहा है। अबे बताओ इस कड़े को ऐसे रख दिया ऐसे करके, माना छोटा है पर देख तो सकते हो, ये आता है ये कड़ा है और ये सेंटर तो बीच में है ना, बताओ अगर सेंटर ये है तो एक्सिस ये थोड़ा हो सकता है? एक्सिस तो इधर होगा ना। अगर भैया बोर्ड पे डायग्राम की बात करें तो बोर्ड पे गोला बनाओगे, बोर्ड पे सेंटर है तो इसका एक्सिस कहाँ होगा? आगे या फिर पीछे? तो इसे बोर्ड पे कैसे बनाऊं? बोर्ड पे थोड़ा ना बनेगा ये, यानी ये पी पॉइंट जो है यहाँ बन सकता हवा में, तो हमने कहाँ बना दिया? साइड में। तो वास्तविकता में कॉइल ऐसी नहीं, ऐसी है। अरे हाँ भैया, ये कॉइल ऐसा मान रहे तभी तो सेंटर ये और एक्सिस ये, तभी दो पी पॉइंट ये है। अब बताओ ये कॉइल मैं बोर्ड पे बना सकता हूँ?
नहीं बना सकता। तो ये दिख रहा है ऐसा, पर है अलग तरीके का थोड़ा। यानी अगर इस कॉइल को माने तो ये पॉइंट यहाँ नहीं है, पॉइंट यहाँ आएगा हवा में, जो कि बन नहीं सकता। और अगर इस पी पॉइंट को यहाँ बनाए तो ये कॉइल ऐसी नहीं होगी, कॉइल कैसी होगी, ऐसी, वो भी बन नहीं सकती। यानी किसी एक चीज़ को मान लो, तो हमने पी पॉइंट को मान लिया, ये बोर्ड पे है, तो कॉइल ऐसे है या फिर ऐसे है, ऐसे है। बताओ ये रहा सेंटर, ध्यान से देखना, ये क्या है सेंटर। बताओ सेंटर से आगे क्या है एक्सिस, वो रहा है पी पॉइंट। तो हमारी कॉइल रियल में ऐसी है ना कि ऐसी है, वो तो बोर्ड पे बनाई गई है। तो कॉइल ऐसे समझो कि आज की क्लास में ऐसे ऐसे। अब ध्यान से देखना, ये रहा सेंटर, ये रहा एक्सिस। बताओ इसके ऊपर एलिमेंट है या नहीं है, नजर ऊपर बेटा, ये क्या है एलिमेंट। तो ध्यान से देखें जरा, ये जो डंडा दिख रहा है ये एलिमेंट मान लिया ऐसे करके, हाँ ना बोल भैया। बताओ बीच में क्या है, सेंटर, और सेंटर के आगे क्या है, अब यहाँ एक्सिस है ये मानो, क्लियर। इसे हटा देते कड़े को थोड़ी देर के लिए, अब पता लग गया है ये क्या है एलिमेंट है और ये क्या है, एक पॉइंट ले लिया आगे पी, ये आता है सेंटर। तो यहाँ था ना, सेंटर के आगे क्या है, अब इस डंडे को कहाँ मोड़ रहा हूँ, एक्सिस की तरफ, पी पॉइंट तो नीचे था ना। बताओ डायग्राम कुछ ऐसे मुड़ेगा नीचे की तरफ, साइड से देखने में कुछ लगेगा पर सामने से एंगल कितना है, ये मैं समझा रहा हूँ। यानी सर्कुलर कॉइल के ऊपर अगर एलिमेंट लिया है तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री, समझ में आ गया। चलिए दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये, अच्छा पॉइंट एक ही है, डायग्राम दूसरा है बेटा। रेडियस बोल दो एक बार, ए सेंटर, एक पॉइंट, दूरी, करेंट आई, एलिमेंट डीएल, दूरी आर, ये फिक्स है, बार बार फिक्स रहेगा। अभी बताओ छोटे से टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड छोटी होगी बड़ी होगी, होगी कितनी, डी बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, होगी तो यही बाय टेन सेवन के हिसाब से। पर ये बताओ बेटे डी एल और आर आपस में क्या है, तो थीटा कितने डिग्री, साइन 90 डिग्री, 1 होता है। तो यानी यहाँ पे थीटा कितना डालोगे, 90 डिग्री, साइन 90 इज 1। बताओ तो डी बी आएगा कितना, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। यानी वास्तविकता में एक छोटे से टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ना कि इतनी, क्योंकि वहाँ साइन 90 कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ थ्योरी का पॉइंट लिख लेना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट इज दिस, अच्छा लिख भी लेना अकॉर्डिंग टू द बायोटेन सेवर्ट लॉ। यानी बायोटेन सेवर्ट लॉ के हिसाब से इस वाले टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, पर हम जानते हैं ये सारी चीजें जिसकी वजह से ये होगी। इतना आया नहीं आया, ये पॉइंट सिर्फ 1 है, इसके अंदर डायग्राम कितने हैं, 2 हैं, ऐसे टोटल पॉइंट कितने हैं, 5। पहले लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर पहला। यानी एक छोटे से टुकड़े यानी डीएल की वजह से इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई है, तो ये लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द बायोटेन सेवर्ट लॉ, और इज इसके बाद में इज दिस, ये हो गई। उसके बाद में ये सारी चीजें लिखी, उसके बाद रिजल्ट आ गया ये। अभी आता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है ये छोटी है बड़ी है, छोटी सी है। और दूसरी बात ये है कि स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है भैया, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो डायरेक्शन भी होगी। तो हम निकालनी है डायरेक्शन, डायरेक्शन का इस्तेमाल करेंगे राइट हैंड पाम रूल, आज की क्लास में ये इस्तेमाल कर रहे हैं, सीखेंगे भैया कैसे लगाते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट डाले, नोट वही है, पॉइंट नंबर सेकेंड बेटा, ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर दो डायग्राम थे, अगला जो है बेटा सेकंड पॉइंट के अंदर तीन डायग्राम है, कितने डायग्राम है, और धीरे धीरे डायग्राम दिखा रहे हैं, सबको कंबाइन करेंगे तब एक डायग्राम बनेगा। फिर लो पर देखें, सबसे पहले इसके अंदर तीन डायग्राम बना देता हूँ। एक कॉइल है, बोलो रेडियस कितनी, अब तो बोल दो वही रेडियस है, सेंटर, पॉइंट, दूरी, करेंट, एलिमेंट, दूरी आर, बात खत्म। परंतु इस आर को बाद में दिखाएंगे, मान लो यहां से एक लाइन खींची, अच्छा हाथ कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं पहले मेरे को बताओ, तो बस ये हाथ है एक, मतलब बाद में पता लगेगा इसका, क्लियर, वही हाथ जो सिखा रहे थे नियर से बड़े। एक डायग्राम मर से एक, इसके अंदर दूसरा है, एक कॉइल है, रेडियस बोलो, सेंटर बोलो, पॉइंट बोलो, दूरी बोलो,
करंट बोलो आई, एलिमेंट बोलो डीएल, और ये हाथ ऐसा आ गया, और ये लास्ट डायग्राम बेटा बोलो रेडियस, सेंटर, पॉइंट, दूरी, करंट, एलिमेंट, डीएल, हाथ ये रहा बेटा, हाथ इधर से नीचे से हर जगह से डालेंगे ना, सिर्फ हाथ के ऐसे मजे क्यों, हाथ इधर से तो नीचे से क्यों नहीं, हाथ का अनुभव हर तरफ से लेना है, क्लियर? अब बेटा फील लो, इधर ए बस इधर देखो बेटे, सारे बच्चे सीधा हाथ निकालो, उठाना नहीं है निकालना है, तो ये रहा हाथ बेटा, पेन लगा देना ऐसे करके, ठीक है? अच्छा दूसरी बात ये है कि करंट ऐसे जा रहे हैं, यह आता है यहाँ पे करंट ऐसे होगा, लाजमी है करंट घूम के ऐसे आएगा, तो इधर करंट कैसे होगा, इधर ये इंपॉर्टेंट है, करंट को देख लो, इस तरफ करंट ऐसे है, इधर ऐसे है, तो नीचे से जाएगा तो करंट ऐसे होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिया हमने, कैसा भी ले सकते थे, हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है क्योंकि जिस तरीके से डायग्राम बनाया है, अब फील लेना ध्यान से, कड़ा का है, यह आता है ये कॉइल रियल में ऐसी है या फिर ऐसे है, ऐसी है, क्लियर? अगर मान लो कॉइल को ऐसी लें, रियल में ऐसी लें, तो अगर कॉइल ऐसी लेंगे तो पॉइंट सेंटर ये होगा तो एक्सेस तो यहाँ होगा, क्लियर है? चलिए इसे समझना, बस ध्यान से देखें बेटा, ये रहा आपका हाथ और ये रहा मार्कर, और मान लो आपका हाथ को है कॉइल, दिखाओ भैया, कॉइल के ऊपर ऐसा रखा हुआ है, दिख रहा है? मान लो करंट इधर जा रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए करंट का है, ये ऐसे करके करंट जा रहा है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो अंगूठे को ऐसे रखोगे, अरे हाँ ना बोले, मार्कर का है डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की ऊपर ही होगी, ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए कि करंट इधर जा रहा है भैया, पीछे वाली दीवार की तरफ जा रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लो, अगर उधर जाएगा तो हाथ को ऐसी तरफ रखोगे तो कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, यानी छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी छोटी से, उसकी डायरेक्शन देखते रहो। अब करना क्या है, वास्तविकता में आपको अपने हाथ को उस पॉइंट पे गिराना है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी कहाँ पे, पी पॉइंट पे, तो हाथ वहां थोड़ा रहेगा, हाथ तो नीचे आएगा, अब ध्यान से देखना बेटा, धीरे धीरे आ जाएगा, ये रहा आपका, बताओ ये सेंटर है तो सेंटर के आगे क्या है, एक्सिस यानी पॉइंट पे, आपका हाथ ऐसे है बेटा, नजर इधर होनी चाहिए, बताओ नीचे गिराऊं या ऊपर गिराऊं, नीचे ना, जहां मार्कर होगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, तो देखो ये ऐसे था, हाथ ऐसे कर दिया, तो ये डायरेक्शन किसकी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, या तो हाथ पे मार्कर कितने डिग्री पे था, 90, तो इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, 90, पहले समझ रहे हैं धीरे धीरे, फिर डायरेक्शन देखेंगे, ये आता है, अब ये नीचे, मान लो ये रहा हाथ, ये रहा मार्कर, अगर करंट इधर जा रहा है, आराम से सोचो इधर जा रहा है, तो मैं हाथ को ऐसे रखूंगा, अरे अंगूठा तो इधर ही होगा, बताओ ये सेंटर है, पी पॉइंट आगे था, बताओ हाथ को ऊपर मोड़ूं या फिर नीचे, बेटा ऊपर ऐसे करके मोड़ना पड़ेगा ना, जिस पॉइंट पे निकालनी है उधर मोड़ूंगा ना, हाँ ना बोल भैया, बताओ मार्कर किसको इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को, यानी इस तरफ आएगी ना, अरे हाँ ना बोल भैया, ये डीबी, ये हाथ है और ये क्या मैग्नेटिक फील्ड है, मार्कर है, कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री, ये कितने डिग्री है, या ऊपर का उल्टा कर दो, अब बात ये आती है कि कॉइल ऐसे करिए, अब ध्यान से देखना, कॉइल बेटा ऐसे, बताओ करंट ऐसे करके आ रहा है ना, इस कॉइल को ऐसे उठा के ऐसे कर दिया, करंट इधर से नीचे नहीं आ रहा होगा ऐसे करके, अगर तुम थोड़ा सा फील ले पाओ, अगर ये कॉइल ऐसे है, इस कॉइल को ऐसे उठा के ऐसे कर दे तो करंट ऐसे करके तो आएगा, बताओ ऊपर से करंट इधर जा रहा है क्या, अरे हाँ ना बोल भैया, तो अंगूठे को इधर ही तो रखूंगा, और जब नीचे से होके आएगा तो करंट क्या ऐसे करके इधर जाएगा, तो अगर करंट इधर जाएगा तो अंगूठे को ऐसे तो रखना पड़ेगा, हाँ ना भैया, पर बच्चों को फील नहीं आता, अरे रुको ना अभी और आएगा, नहीं समझे तुम, ये दिख रहा है, इसे ऐसे ही ले लो, जैसे है वो कॉइल वैसे ही लो, अगर कॉइल ऐसे होती तो सेंटर यहाँ होता तो एक्सेस यहाँ होता ना, अब मान लो कॉइल रियल में ऐसे ही है तो एक्सेस सामने हो, यही है, अभी बताओ अगर ऐसे लेंगे तो करंट यहाँ से क्या है, तो ये नीचे ही तो है, इधर इधर नीचे ऐसे करके ऐसे ही आएगा, तो बताओ ऊपर जब पहुँचेगा तो उधर होगी डायरेक्शन, देख लो ये ऐसे आएगा, ऊपर किधर होगी, इधर, यानी ऊपर उधर है ना उस दीवार में, तो देखो मेरी तरफ से लगाओ, हाथ ये लिया, मार्कर ये लिया,
उंगली के बीच में फंसाया और ऐसे करके रख दिया, बताओ ये सेंटर है तो वो क्या है, एक्सेस। हाथ को कैसे ऐसे करेंगे, अब बस इसे ऐसे कर दो ना, आ गए ना ऊपर। हाँ ना भैया, रुको जरा, आप बताओ ऐसे जा रहे हैं तो ये घूम के नीचे की तरफ कहाँ होगा, इधर, तो नीचे की तरफ इधर है। तो देखो आराम से, ये ऐसे लगाया, अंगूठा ऐसे रखा, बताओ कहाँ मोड़ू, ऊपर, कहाँ रहे, नीचे। अरे हाँ ना बोल भैया, वो दिख रहा है पर है अलग, तो आपको हर एक एंगल से लगाना आना चाहिए। राइट हैंड पाम रूल, कुछ मत करना, एक बार नीचे झुका देना, एक बार नीचे से ऊपर उठा देना, बस। आया नहीं आया, तो इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चाहिए। तो बेटे ये था पॉइंट नंबर सेकंड, यानी राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करना सीखना था। यानी एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, अगर पॉइंट पी को यहाँ मान रहे हो तो इस कॉइल को यहाँ मत मानो, कॉइल को थोड़ा बाहर ऐसे करके निकालो। और इस कॉइल को अगर यहाँ मान रहे हो तो इस पॉइंट को यहाँ मत मानो, इस पॉइंट को यहाँ मानो, तो अपने आप ही रूल सही लगेगा। क्योंकि दोनों में से एक चीज़ प्लेन में माननी है तो एक चीज़ बाहर माननी पड़ेगी, क्योंकि डायग्राम 3D है पर बोर्ड तो प्लेन में है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे, एक एंगल बना लेना फाइव, इधर ये फाइव ऐसे, सारे बच्चे बना लो बेटे, ए एंगल बना लो इधर फाइव, बेटा थीटा नहीं फाइव बोला मैंने, क्या बेटा मारा लो, किसने रोका है, मिटो दें इसे। बेटे नोट नंबर सेकंड के अंदर तीसरा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, तीसरा, आराम से देखिएगा, पेन छोड़ दो। तीसरा पॉइंट ये है, इसमें अबाउट एंगल लिख लेना, यानी थोड़ी एंगल के ऊपर चर्चा करेंगे, नज़र ऊपर। और बाएं वाले बच्चे थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। एक कॉइल है, बोलो कॉइल की रेडियस कितनी है, यार अब तो वही रहेगी रेडियस, सेंटर बोलो, आगे एक पॉइंट ले आए, दूरी, करंट, एलिमेंट, डीएल, दूरी, आर, एंगल फाइव। अब ध्यान सुनो, इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पर छोटी मैग्नेट फील आई है, उसकी डायरेक्शन क्या यही थी, ये डीबी, याद करो, बताओ ये मेरा हाथ था और ये मार्कर था, कितने डिग्री का एंगल था, 90। अब जो बच्चे 11th क्लास पढ़े हैं उन सबको पता होगा, ये जो डीवी है ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है, तो जब कोई भी चीज़ अदर देन हॉरिजॉन्टल अदर देन वर्टिकल हो किसमें ब्रेक करते हो, कॉम्पोनेंट्स में, इसके कॉम्पोनेंट बना लेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये आता है ये एंगल फाइव है तो ये एंगल कितना होगा, फाइव, और मान लिया भी फाइव है पर किस प्रकार से फाइव है अभी देख लेंगे। ये फाइव है तो ये भी क्या होगा, फाइव होगा, पर कैसे, पर क्या बोला, कैसे, तो देखते हैं कैसे। ध्यान से देखें, एक लाइन दिख रही है एक्स, तो एक काम करते हैं इस लाइन को ये साइड में दिखाते हैं बेटे, ये लाइन है जो कि एक्स जा रही है, ये वाली, ध्यान से देखते रहना। एक पॉइंट पी है यहाँ पे और ये डॉटेड लाइन बनाई और ये आगे बढ़ाया और ये डीबी था, ये क्या था, डीबी, और ये हाथ ऐसे ही आ रहा था हमारा, ये आ रहा है ऐसे करके, ये ऐसे करके, बताओ ये एंगल कितना है, फाइव दे रखा है। अब खुद बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90, ये फाइव है ये 90 है तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस फाइव। अब तुम बताओ ये जो बीच में लाइन आ रही है ये वास्तविकता में है क्या, मेरा हाथ ही तो था, ये क्या था, हाथ, बताओ, और ये क्या था, मार्कर, ये कितने डिग्री पे था, अगर इन्हें देखेंगे तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90, यानी ये 90 है और ये कितना है, तो 90 में से 90 माइनस 5 माइनस करोगे तो आएगा कितना, 5 आएगा, देख लो 90 पूरा है और ये कितना है, माइनस करो 90 माइनस 90 प्लस 5 कितना आया, 5, इसलिए वो 5 है। बिल्कुल बेसिक है, अगर 11th क्लास में बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ाए वहाँ पे भी एंगल के लिए ऐसे डिवाइड करा था एक नोट। क्लियर? चलो बेटा लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है ये। बेटा ये था तीसरा पॉइंट जिसमें हमने एंगल के बारे में जाना है, यानी ये अगर एंगल फाई है तो एंगल फाई किस प्रकार से, तो 90 माइनस फलाना ढिकाना तमकाना वो थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेना आ जाएगा। क्लियर? बेटे पॉइंट नंबर फोर्थ, चौथा पॉइंट डालो,
ध्यान से देखें बेटे, पॉइंट नंबर फोर्थ है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो सारे नोट को मिलाएंगे और एक डायग्राम बनाएंगे, क्लियर। और उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट होगा पांचवा, जो कि इस डायग्राम से इन्फॉर्मेशन निकाल दी जाएगी, क्लियर। आइए बेटा, बोलो कॉइल, वास्तविकता में डब्लू टाइप कॉइल होती है। बोलो बेटा कॉइल, रेडियस बोलो, सेंटर बोलो, आगे पॉइंट ले आए, दूरी करंट, एलिमेंट दूरी आर फ्रॉम पी, बेटे एंगल फाई। इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई है, बताओ यही है क्या डीवी? अरे हाँ ना, बोलो ये है डीवी। इसका एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट नीचे, यही आएगा। अगर कंपोनेंट ब्रेक करें तो ध्यान से देखो, यह था ये फाई था, तो ये भी कितना है फाई। बताओ ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। बताओ इसका वैल्यू इधर कितनी आएगी, डी वी कॉस फाई। इसकी इधर कितनी आएगी, डी वी साइन फाई, कुछ ऐसी आएगी। अरे कॉम्पोनेंट में ब्रेक करना तो 11th क्लास में सीखा था। अब एक एलिमेंट यहाँ लिया है, मान लो जस्ट इसके नीचे एक और एलिमेंट ले लूँ डी एल, क्लियर। बताओ ये डी एल है, ये पी है, इसकी यहाँ से दूरी वही होगी जो ये सेम आर। बताओ एंगल कितना है फाई। इस एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड छोटी होगी बड़ी होगी, छोटी सी होगी, उसकी डायरेक्शन के नीचे नहीं होगी। अरे याद करो बताया था डी बी, ये फाई तो ये भी क्या होगा फाई। बताओ इसकी वैल्यू इधर कितनी होगी, डी बी कॉस फाई, अरे बेस है। इसकी इधर क्या होगी, मैंने इसकी इधर क्या होगी, डी बी साइन फाई। और यहां पे अगर वैल्यू लिखना चाहो तो ये लिख दो बेटे, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये ए ये एक्स, तो यार पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस, और ये कंप्लीट डायग्राम हो जाता है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये क्या लिखा है डी वी कॉस, ये क्या लिखा है डी वी कॉस पाई। बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है अलग अलग है, सेम है, वो भी डी वी कॉस पाई है, ये भी डी वी कॉस पाई है, पर डायरेक्शन क्या है अपोजिट, यानी एक ऊपर है तो एक नीचे है, सो दे कैंसिल विद ईच अदर, यानी बोथ द डी वी कॉस पाई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसिल विद ईच अदर, मतलब ऊपर और नीचे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका इफेक्ट कहाँ हुआ, ये क्या लिखा है डी वी साइन फाई, ये भी क्या है डी वी साइन फाई। बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, डायरेक्शन क्या है सेम, सो दे एड अप्स, सो दे एड अप्स, जुड़ते रहेंगे। पर यहाँ दिक्कत है, यह बताओ एक टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पर इतनी मैग्नीट्यूड, वो तो कैंसिल होगी ना, अरे हाँ ना भैया, इस टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पर इतनी मैग्नीट्यूड, ये तो कैंसिल होगी ना, तो ऐसे और भी तो टुकड़े होंगे, सबकी वजह से इस वाले पॉइंट पर और मैग्नेटिक फील्ड आती रहेंगी, उनको जोड़ दोगे तो टोटल नहीं आ जाएगी क्या, इतना समय है क्या तुम पे कि सारे एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे निकालोगे, सबको जोड़ोगे, फिर टोटल आंसर आएगा, इतना टाइम नहीं होता। तो क्या करोगे, एक टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड आए, उसे क्या कर दोगे इंटीग्रेट, क्या कर दोगे तो आ जाएगा टोटल आंसर। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लो, इसका सीधे रिजल्ट है, इस टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड आई ना, हाँ ना बोल भैया, उसे क्या कर दोगे इंटीग्रेट, और सीधा आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो यहां पे पांच पॉइंट में डाल के लिख लेना लास्ट, इसी डायग्राम के हिसाब से टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बेटे ड्यू टू कॉइल, कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी होगी, अरे हाँ ना बोल भैया, वो कैसे आएगी, जो छोटे से टुकड़े की वजह से आई है उसे क्या कर दो, यानी डी वी साइन फाई को, डी वी साइन फाई को। और ये बताएं डी वी की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई आइडियल बाय आर स्क्वायर, क्योंकि भैया साइन थीटा कितना हो गया था 90 डिग्री डाल के वन हो गया था, बस इसे सॉल्व करना और सीधा आंसर आ जाएगा, हो गए। अच्छा एक बात हो, एक रोड पर कार जा रही है और कार रोड पे ऐसे चल रही है, लाजमी से आता है उसका वेट जो फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ और एक रिएक्शन ऊपर की तरफ, दोनों बैलेंस होती है तभी तो कार आराम से जारी होती है। ऐसा थोड़ा ना कार ऐसे चली चलो दो सेकंड के लिए ऊपर नीचे हो जाती है, ऐसा थोड़ा ना होता है, आगे और पीछे फोर्स लग रही है, ऊपर नीचे तो इक्वल है तभी तो बैलेंस है। अब ये पानी की कई बार एग्जाम्पल दिया है, ये पानी की बोतल हाथ पे रखी है, आराम से रखी हुई है, क्योंकि इसके द्वारा जो नीचे फोर्स लग रही है और नीचे के द्वारा रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रही है, दोनों क्या है इक्वल,
बैलेंस, तो वहां पे नेट इफेक्ट जीरो हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, सिर्फ जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हम इतना ऐड करने का टाइम है नहीं, तो एक टुकड़े की वजह से जो आई उसे इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर? लपेट घसीट उठा पटक खलुआ चीज। तो बेटे नोट नंबर सेकंड के अंदर कितने पॉइंट हुए हैं? बेटे 5 पॉइंट हुए हैं और डायग्राम आपके सामने, ये डायग्राम था मेन, यानी ये डायग्राम अगर आ गए हैं तो अपने आप ही डेरिवेशन आ चुकी है। कॉइल आ गई, एलिमेंट आ गया, इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन ये आपको आ गया। डीएल और आर के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री, ये भी आपको आ गया। कॉम्पोनेंट में ब्रेक करना भी आ गया, ये रिजल्ट कैंसिल, इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर बेटा? आज की क्लास की हेडिंग डालें, ये जो आप कराने वाले हैं ये एप्लीकेशन है, सेकंड वाली एप्लीकेशन है बायोटेंस एफेक्ट लॉ की। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, हेडिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, याद रखना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस बट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, यानी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। और एक बात का ख्याल रखें, ये एप्लीकेशन है सेकंड वाली बायोटेंस एफेक्ट लॉ की, फर्स्ट वाली सेंटर वाली करा दी, ये एक्सिस वाली है। बड़े नज़र ऊपर रखें अब, सबसे पहले एक डायग्राम था, बोलो रेडियस कितनी है ए, ये फाइनल है डायग्राम, आप ना बनाओ, आप घर जाके बना लो तो भी चलेगा क्योंकि नोट में आपने बना ही लिया। बोलो सेंटर कितना है, पॉइंट, दूरी, करंट, एलिमेंट, डीएल की दूरी, एंगल फाइव, ये क्या है बड़े डीबी, बताओ ये फाइव तो ये भी फाइव, ऊपर कितना आएगा कॉस फाइव, इधर कितना आएगा साइन फाइव। क्लियर? अब ये आता है बड़े एक एलिमेंट यहां भी लिया था, बताओ ये दूरी आर, इसे थोड़ा पीछे करके लिखो, आर इज इक्वल टू में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आता है, ये डीबी नीचे आएगा, बताओ नीचे कितनी वैल्यू आई थी डीबी कॉस फाइव, और इधर कितनी आएगी डीवी साइन फाइव। यह है मेन डायग्राम। अब इतने डायग्राम की जगह छोड़ो और थ्योरी के पॉइंट लिखो जो मैं कहता हूं। क्लियर? दो पॉइंट लिखने थ्योरी के, पहला यहां और दूसरा यहां, लिखो बेटा डायग्राम तो बना ही लोगे, पॉइंट लिखो, टेक ए पॉइंट पी, टेक ए पॉइंट पी, टेक ए पॉइंट पी ऑन द एक्सिस, टेक ए पॉइंट P on the axis at a distance of x from the center. Take a point P on the axis at a distance of x from the center. At a distance of x from the center. At which the magnetic field intensity is to be find out. At which the magnetic field intensity is to be find out. यानी जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसकी बात कर रहे हैं हम। एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट, लिख लिया, यानी हमने लिखवाया कि एक पॉइंट लिया है पी, देखो उसकी दूरी कितनी है एक्स, कहां से सेंटर से, और उस वाले पॉइंट पर क्या निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा पॉइंट लिखो बेटे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक दूसरा पॉइंट अलग से, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द बायोटेंस एफेक्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू यस बायोटेंस एफेक्ट लॉ, बोलूं बेटे इधर देखो, अकॉर्डिंग टू द बायोटेंस एफेक्ट लॉ इज, और इसके आगे पेन रोक दो, देखो ये थी, यानी इस एलिमेंट की वजह से, नजर ऊपर रखो, इस एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आई थी, वो कितनी थी डी बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई
आर स्क्वायर डेरिवेशन कर रहे हो. क्लियर? डायग्राम हो गया, पॉइंट्स हो गए, और ये आगे मैग्नेटिक फील्ड. बताओ डीएल और आर कितने डिग्री पे? 90. यहाँ लिखोगे डीएल परपेंडिकुलर है आर के. बताओ थीटा कितने डिग्री है? 90. इट मीन्स साइन 90 कितना हो गया? यानी साइन 90 डिग्री 1 हो गया. तो ये वैल्यू होगी 1. तो डीबी कितना बचेगा? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर. साइन 90 हो गया 1. क्लियर? इतना आपने नोट में पहले से देखा, पर अब डेरिवेशन का पार्ट है. इसके बाद वापस से थ्योरी के 2 पॉइंट, उसके बाद में सीधे इंटीग्रेट और सीधे आंसर. क्लियर? पहले ये लपेटो, उसके बाद पॉइंट बोल दूंगा दोनों फास्ट. तो बेटा ऊपर देखें तो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी पी पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है. ये आता है ये डीवी कॉस फाई और ये वाला डीवी कॉस फाई, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम. यहाँ लिखो बोथ द डीवी कॉस फाई, यानी एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है. तो बोथ द डीवी कॉस फाई, यानी बोथ द डीवी कॉस फाई, देखो याले बोथ द डीवी कॉस फाई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है. आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. परंतु जो डायरेक्शन वो क्या है? अपोजिट है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन. सो दे कैंसिल विद ईच अदर, सो दे कैंसिल विद ईच अदर. डन? सो दे कैंसिल विद ईच अदर. अब यह आता है ये दोनों तो कैंसिल हो गए, पर ये डी वी साइन फाई और ये डी वी साइन फाई का मैग्नीट्यूड क्या सेम. तो इसके नीचे अलग दोबारा लिखो बोथ द डी वी साइन फाई, बोथ द डी वी साइन फाई, जो दोनों के दोनों डी वी साइन फाई है उसकी बात कर रहे हैं. बोथ द डी वी साइन फाई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन सेम डायरेक्शन. आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन सेम डायरेक्शन. दोनों के डायरेक्शन सेम है एंड इन सेम डायरेक्शन. सो दे एडप्स, सो दे एडप्स. जो लास्ट लाइन लिखवाई ना सो दे एडप्स, वास्तविकता में हम ऐड करवा नहीं रहे, हम इंटीग्रेट करेंगे. क्या करेंगे? क्योंकि ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से मैग्नीट्यूड निकालोगे जोड़ोगे भैया इतना टाइम नहीं है. तो एक टुकड़े की वजह से जो आई उसे क्या कर देंगे? इंटीग्रेट. क्लियर? अब देखो आराम से. अच्छा इस इक्वेशन वन डाल देना, काम आएगी. बटे डी वी इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर. नजर ऊपर, इक्वेशन नंबर 1 जो नीचे लिखी थी वो ऊपर लिख दिया, यानी ये वाला और नीचे जो कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए. अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ध्यान से देखें. बटे टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी बी कैसे निकालोगे? इसको इंटीग्रेट कर दोगे. तो इंटीग्रेट करेंगे डी वी साइन फाई को, डी वी एरा वैल्यू यहाँ डाल देंगे. दिख रहा है? कुछ नहीं करना, आराम से कैलकुलेशन करनी है और धीरे धीरे होता रहेगा. बताओ डीवी कितना है? बटे डीवी एरा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई है आई है, बटे डीएल है, डिवाइड में क्या है? आर स्क्वायर. अब ये साइन फाई है तो यहाँ देखो साइन फाई की वैल्यू दिखाता तुम्हें. रुक तो जा बेटा, यह आता है ये ट्रायंगल दिख रहा है छोटा सा फाई एंगल, तो यहाँ पे तो कॉपी में साइड में बनाओगे ऐसे करके. यह आता है ये एंगल कितना है? फाई. और यहाँ पे ये a, ध्यान से देखो सामने, और ये r था. तो अगर साइन फाई निकालेंगे तो p बाई एच, और p कितना है? परपेंडिकुलर ये रहा a, और h कितना है? r. यानी साइन फाई जो है कितना आया? a बाई आर. तो यहाँ पे क्या आएगा? a बाई आर. या तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ dl और सब बाहर. इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा? dl और सब क्या आएंगे? बाहर. बताओ बाहर क्या क्या आएगा? बेटा म्यू नॉट बाहर, i बाहर, ए बार, डिवाइड में 4 पाई, और ये आर स्क्वायर और ये आर आर क्यूब. इंटीग्रेशन क्या बचेगा? डीएल. और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल. एल क्या होगा भैया? कॉइल बनाई है 2 पाई आर, पर आर क्या क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि रेडियस ए ली है. तो ध्यान से देखें बेटे म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब डॉट एल. डीएल का एल हो गया. और इसके आदमी से आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 2 पाई ए, क्योंकि आर जो है वो ए है. देख लो, हाँ ना बोलिए, काटेंगे पीटेंगे और धीरे धीरे आंसर आ जाएगा. पहले इतना लपेटो,
उसके बाद आगे जलाते हैं फास्ट। तो L जो है L की जगह क्या डाल दोगे यहाँ पे बेटे 2 पाई R, पर R की वैल्यू कितनी है A है। तो ध्यान से देखिए आप बेटे, पेन छोड़ दो सारे बच्चे, यहाँ B बेटे B इज इक्वल टू, मैं बताऊँ वहाँ क्या लिखा है, म्यू नॉट है, आई है, ए है, डिवाइड में क्या है 4 पाई आर क्यूब डॉट एल। अब नज़र ऊपर रखना, बस आंसर आ चुका है। यह आता है म्यू नॉट लिखा, आई लिखा, ए लिखा, डिवाइड में 4 लिखा, पाई लिखा, आर क्यूब लिखा, डॉट 2 लिखा, पाई लिखा, ए लिखा, नॉट आर, क्योंकि रेडियस क्या थी, ए थी। अभी आता है 2 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बताओ ए और ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो म्यू नॉट आया, आई आया, ए स्क्वायर, ऊपर वाला मैच कर गया। अगर आपको याद होगा शुरू शुरू में मैंने रिजल्ट लिखा था, नीचे कितना है 2 है और ये क्या है आर क्यूब, बस ये आर क्यूब है। इसे चेंज कैसे करेंगे, कॉपी में लाइन खींचोगे, ये आता है डायग्राम, अगर ध्यान से देखोगे आर जो था वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, और रूट जो है हाफ होता है, तो आर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ लिख सकते हो। अब ये वाली वैल्यू यहाँ डाल देंगे और बस आंसर अपने आप ही आ जाएगा। देखो बेटा b इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, नज़र ऊपर रखना बड़े ए टू, ये r है, पहले बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट बना लो, बताओ r की वैल्यू है कितनी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और पूरे की पावर कितनी है 3, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो बेटा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड में 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये हो गया बी एक्सिस पर आंसर। रुको जरा सुनो, व्हाट इज एक्स बेटा, उस पी पॉइंट की दूरी थी, अगर याद हो ध्यान से फील लो, अगर इस पी पॉइंट को धीरे धीरे पास बुलाए नजर ऊपर, एक्स बढ़े का काम होगा, और अगर इस पी पॉइंट को सेंटर पर ले आए तो एक्स कितना 0, तो अगर यहाँ एक्स के लिए 0 डालेंगे तो वही फॉर्मूला आएगा जो लास्ट क्लास में सेंटर का आया था, यानी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, क्योंकि रेडियस यहाँ पे ए लिए। क्लियर? तो ये थी मैग्नेटिक फील ऑन द एक्सिस की डेरिवेशन। बेटा नहीं सॉल्व करोगे यही आएगा, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्रीकाल, पोड़ा सोना ना पोड़ा सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलमदुल्ला, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।